नए वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो यहीं पे एंड किया है। ये एक दरगाह यहाँ है और इधर हम बात करें सामने सूरज आ रहा है। एक ये दरगाह औरंगजेब का और ये एक और दरगाह। और अभी हमने यहाँ भाई से ये दूध की दुकान, दही की दुकान, यहाँ से दही ले लिया है और खा भी लिया है। तो इस वीडियो में बने रहें, आज के इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। और ये भाई के साथ अभी हम बैठ गए हैं ऑटो में। एलोरा की गुफाएं तक हम जाने वाले हैं, जैसे आपने वीडियो के टाइटल से ही देख लिया होगा। तो आज हम एलोरा की गुफाएं देखने वाले हैं। और यहाँ से ये 4 किलोमीटर दिखा रहा है, औरंगाबाद 28 और 4 किलोमीटर। और दौलताबाद 11 किलोमीटर, शिरडी 115 और सूरत 358 किलोमीटर। और ये यहाँ का एक चौक। नासिक 184, धूले 120, औरंगाबाद इधर रह गया, अलोरा केव इधर रह गया। डायरेक्ट छोड़ देते हैं। यही अपना ऑटो, ऑटो बोलो, टैक्सी बोलो, टैक्सी वाला मिल जाता है 70 रुपीज में। बस बोलो, बस भी मिलता है, बस तो कम लेता होगा। बस का तो कम ही रहेगा ना, जैसे बस है के लिए बस स्टॉप आ गया है। यहाँ से हमें एलोरा केव अंदर जाके देखना है। और ये एलोरा की गुफा देखने के लिए टिकट खिड़की यहाँ पर 40 रुपये इंडियन के लिए और फॉरेनर का अलग चार्ज। और ये यहाँ का व्यू और ये टिकट खिड़की के बाहर का व्यू। आइए टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं। और ये यहाँ गेट से एंट्री करने के बाद हमारा झंडा ऊंचा रहे सदा। और ये आने का रास्ता। और ये सामने गुफाएं। आइए चलते हैं अंदर। और ये एलोरा की गुफाएं। और ये यहाँ मंदिर, जो पत्थर काट के, पहाड़ को काट के और ये पूरा डिज़ाइन दिया गया है, ये बनाया गया है। और यदि इसकी डिटेल की बात करें तो ये यहाँ इसकी डिटेल है। गुफा क्रमांक 16, एक तरफ हिंदी में और एक तरफ इंग्लिश में पूरा डिटेल दिया गया है। और इधर तीसरा मराठी में भी है। और ये अंदर जाने का रास्ता। पूरा पहाड़ काट के इसे मंदिर का रूप दिया गया और इसे बनाने में 200 साल लगे।
200 साल में तकरीबन 20 पीढ़ियां इसे बनाती रही, पहाड़ को काटती रही, और ये जाके तब जाके ये पूरा जो स्वरूप अभी हमें दिख रहा है ये तैयार हुआ। काफ़ी बड़ा पहाड़ को काटा गया है और 200 साल तक इसमें 20 पीढ़ियों ने मेहनत की है, तब जाके ये डिजाइन, ये मंदिर का रूप और ये सब बना है। इलोरा की गुफाएं, तो यहाँ पर अलग तरह से टूरिस्ट आते हैं, बच्चे देखे जैसे ये आए हैं, स्कूल के बच्चे हैं, तो ये कितनी मेहनत, कितना टाइम और ये सब कुछ लगा है इसमें, ये आप इसमें देख सकते हैं। चारों तरफ जहाँ भी आप देखेंगे कलाकारी, जो मेहनत इसमें की गई है वो दिखाई देती है। और ये कुछ ग्रुप में स्कूल के बच्चे, और ये पूरी गुफा पत्थर को काट काट के बनाई गई है। यदि इधर हम अंदर चल के देखें तो आप ये देखिए, पिलर बनाए गए हैं, छत बनाई गई है, और इधर मूर्तियाँ हर जगह पे, आपको एक अलग ही तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। और यदि हम यहाँ से देखें, ये देखें ये पत्थर ऊपर पहाड़, जिसे काट के ये नीचे गुफा में ये मंदिर का रूप दिया गया है। और ये देखिए आप कितना पहाड़ काटा गया है यहाँ तक, और ये पूरा मंदिर यहाँ बीच में। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कैसा लगा अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।